आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत स्वागत है। यार ये नेपाल का कुछ करना होगा, समझ नहीं आता। ये नेपाल जो है हमारा छोटा भाई है, भारत कितनी मदद करे यार। शेर बहादुर देउबा जो है वो प्रधानमंत्री है 2021 से, अब फिर वो चाइना, क्या हो रहा है? तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नेपाल चाइना अब जो BRI प्रोजेक्ट था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ढेरों लेक्चर मैंने लिए इस पर। मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूंगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ओल्ड सिल्क रोड थी ना, जो एशिया को यूरोप से कवर करती थी, तो उसके लिए ये लॉन्च किया गया। और ये समझिए कि चाइना से शुरू हो गया, पूरा एशिया और यूरोप तक जाएगी। अब ऐसा बोला जा रहा है कि 5-6% तक ट्रेड पूरी दुनिया का बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ये सबको कवर कर रही है, तो डेफिनेटली ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर 2022 तक टोटल 149, लगभग 150 कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को, ये BRI के अंदर आ गई है। भारत ने हमेशा इस पे आपत्ति जताई है। कब कंप्लीट होगा ये? 2039, 100 साल होंगे इस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत मुश्किल है इसका कंप्लीट होना दोस्तों। ये अटका हुआ है बहुत देशों में। कुछ देश तो ऐसे हैं जो उनको लग रहा है कि भाई अगर हम इनको कंप्लीट होने देंगे तो हम बिक जाएंगे। कहीं पे चाइना जो है वो पैसे का खेल दिखा रहा है। नेपाल ने, चाइना ने यही किया है भाई। यहाँ पे जो चाइना की लेजिस्लेटिव बॉडी है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। नेपाल के चीफ और चाइना के चीफ दोनों ने ही एग्रीमेंट साइन किया। जो भैया नेपाल के स्पीकर हैं और नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना के जो लीडर है ली जानशु, ये अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। और उसके बाद अग्नि प्रसाद सपकोता, इन दोनों ने साइन किया कि 6-point एग्रीमेंट प्रोग्राम, कि ठीक है BRI बहुत समय से लटका हुआ था, चलिए उसको बढ़ाते हैं। अब देखिए बढ़ाना तो है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो हमारा NCERT का कोर्स क्यों नहीं अवेल कर रहे हो? हमने UPSC का शानदार कोर्स बनाया। NCERT का इतना बेहतरीन कोर्स है, इसमें हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ओल्ड और न्यू NCERT दोनों ही आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा YouTube एसोसिएशन प्रोग्राम है, हम छोटे यूट्यूबर्स को साथ में लेके आएंगे दोस्तों। कितने भी आपके सब्सक्राइबर है फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी 2-3 दिन हमको एनालाइज करने में लगेगा। 17 से 18 सितंबर में हम आपसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। हो सकता है हम एक हफ्ते बाद कॉल करें, लेकिन कॉल जरूर आएगा। आपको अपने चैनल नेम, चैनल सब्सक्राइबर और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, जो हमारे स्टडी ग्लोस का लिंक्डइन पेज है, मेरा भी, मेरे पर्सनल पे भी भेज सकते हैं आप, जो इंस्टा पेज है स्टडी ग्लोस का, और studyglosehiring@gmail.com। ओके, तो देखिए बैकग्राउंड यही है कि ये 2017 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, पुष्पा कमल दहल। अब इनकी बात खरे तो भैया ये तो माओइस्ट है, है ना, और ये चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। आप समझिए कि ये तो बहुत ही प्रो चाइना थे, मतलब ही वॉज वाइडली कंसिडर्ड टू बी प्रो चाइनिस्ट माओइस्ट लीडर, जिन्होंने यही बोला था कि ना ना चाइना को लेके आओ, भारत को किनारे करो, भारत को साइड में करो। मैंने ये देखा है कि जो नई लीडरशिप आई है उसमें चाइना के लिए प्यार बहुत ज्यादा दिखता है। चाहे आप दहल को देख लें, चाहे आप देउबा को देख लें, तो हम ये देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, ठीक है, इट इज वेरी डेंजरस। अब ये जो एग्रीमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे होगा क्या, यहां पे चाइना, भाई चाइना ने तो ये तक बोल दिया नेपाल को कि अरे रुको रुको, हम आएंगे, हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे, हमारे तुम्हारे यहां स्टार्टअप हम बनाएंगे, ये हिमालय है ना इसको पूरा बदल के रख देंगे, हिमालय पहाड़ काट के यहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, फिर मस्त भूकंप आएगा, ठीक है। तो ये सब बोला है यहां पे। अब ये देखिए चाइना जो लोन देता है, आपको पता ही है कि वो खरीद लेता है पूरे देशों को। पाकिस्तान के साथ हमने देखा ये, अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हमने देखा, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा ये, ठीक है, अभी श्रीलंका पूरा बर्बाद हो गया हमने देखा ये, कुछ यूरोप के देश है वहां पे ऐसा हो रहा है, कुछ साउथ अमेरिका में दोस्तों देश बिकने के कगार पे है, आपको पता है, क्योंकि चाइना जो लोन देता है, चाइना लोन कैसे देता है, पहली तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आपको पता ही नहीं कि कंडीशन क्या है, और वो इतनी टफ कंडीशन होती है कि आपका देश बिक जाएगा। फिर चाइना करप्शन भी बहुत करता है, लीडर्स को ही खरीद लेता है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो 9 different प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने BRI के तहत वादा किया था। अब इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हिमालयन रेलवे, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि रेलवे लाइन तो बननी ही बननी है इस BRI प्रोजेक्ट में, हर जगह ये पूरा चाइना से यूरोप तक भी रेलवे लाइन बनाएंगे। तो रेलवे लाइन जो है वो चाइनीज पोर्ट जेलोंग और केरुंग से शुरू होकर काठमांडू पे आएगी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश के लिए सुपर पावर बनने के लिए उसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक सुपर पावर बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, और दुनिया का 90% ट्रेड समुद्र से होता है। इसीलिए पहले बोला जाता था जिसकी नेवी ताकतवर
वो सब कर लेगा। ब्रिटेन क्यों जीता? उसकी नेवी बहुत ताकतवर थी। शिवाजी महाराज क्यों जीते? उनकी नेवी बहुत ताकतवर थी। चोलास क्यों जीते? उनकी नेवी बहुत ताकतवर थी। तो जो आपकी जल सेना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, आपकी जल सेना। ओके, तो यहां पे चाइना के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसको सी का एक्सेस नहीं है, तो उसको पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो चाइना इसको बाईपास कर रहा है, इसीलिए वो सीपैक बना रहा है, ताकि वो इतना घूम के जाने से अच्छा है वो सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे आए, और यही नेपाल के साथ भी कर रहा है। वो खूब पैसे बचेंगे उसके, बहुत पैसे बचेंगे, और ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक बार ये सब डेवलप हो गया तो देश इन्वेस्ट करेंगे इसमें। ये चीज है। तो आप समझिए कि यहां पे चाइनीज पोर्ट, अब पोर्ट पे ही तो सब कुछ होता है, पोर्ट पे ही सारा सामान आएगा, ट्रेन पे लादा ले जाओ, और इनकी जो काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल की, वहां तक ये जाएंगे। 400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई रोड्स, टनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स जो है वो चाइना जो है यहां पे बनाएगा। तो ये सब कुछ अभी रुका हुआ, ये आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये यहां से शुरू होगी, ठीक है। अरे यार, ये यहां से यहां पे, ठीक है, इधर से आपको दिख रहा होगा, यहां से शुरू होते हुए पूरा ये लुम्बिनी भैया, भगवान बुद्ध का घर, ठीक है। तो ये होते हुए पूरा नेपाल पे जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जब ये होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हिमालयन रीजन में हो रहा है, हिमालयन रीजन में हो रहा है, तो वहां पे कटाई होगी, रोड्स बनाएंगे तो पहाड़ काटेंगे। चाइना तो देखिए उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भूकंप आए, वैसे ही इको सेंसिटिव जोन है। अब देखिए कंसर्न्स क्या है। सबसे पहली बात यह है कि चाइना जो लोन देता है, सॉफ्ट लोन्स देता है, कमर्शियल लोन तो दे नहीं रहा है कि आपको इतने पे इंटरेस्ट, ग्रांट्स दे रहा है। आपको फर्जी कोई पैसा देगा? आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक रुपए तो कोई बिना मतलब के देता नहीं है, यहाँ तो अरबों की बात हो रही है, क्या फर्जी दे देगा आपको? यहाँ पे चाइना जो है वो ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स दे रहा है, कमर्शियल लोन्स दे ही नहीं रहा। कह रहे ले जाओ यार, हमारे पास पैसा है, तुम लाओ, जाओ ऐश करो, बस बदले में पूरा नेपाल ले लेंगे तुमसे। दूसरा जो है, जो इंटरेस्ट रेट और प्री पेमेंट टाइम है, जो मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज होती है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे देखो होता क्या है, चाइना जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाइना इज नॉट ट्रांसपेरेंट, पूरा ओपैक है, कुछ नहीं दिखता है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आप बहुत ज्यादा नहीं दोगे। हमको अभी तक यही नहीं पता कि चाइना कितना इंटरेस्ट लेता है, हो सकता हो 30% इंटरेस्ट लेता हो, वी डोंट नो। चाइनीज ऐप्स की अभी बहुत देख ही रहे हैं कि अभी काफी भारत में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, चाइनीज ऐप जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है और सबको पकड़ा जा रहा है, तो चाइना भी वैसे ही काम करता है, भले ही वो बड़ा है लेकिन वो काम वैसे ही करता है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत देता है। तो भैया जो बड़े बड़े मल्टीलेटरल वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंटरेस्ट रेट हो ना, सबसे पहले तो वो हो, और वो है नहीं। फिर तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव बिडिंग्स होनी चाहिए। बीआरआई प्रोजेक्ट पूरा कौन करेगा? क्या खाली चाइना की कंपनी? नहीं, जो भी भाई खोल दो ना, ये ओपन कर दो, ये पूरी दुनिया के लोग आए, भारत की भी कुछ कंपनीज जाए, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। तो ये तीन सबसे बड़े कंसर्न्स हैं। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इट विल बी एक्सटेंडेड अलोंग कमर्शियल टर्म्स, और ये AIIB और सिल्क रोड फंड्स, ये सब चाइना का ही है, ठीक है, यही जो इनको फंड करेंगे। रीपेमेंट पीरियड जो है वो लिमिटेड होगा, ये देखना पड़ेगा। देखिए इसमें दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो नेपाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अभी बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे साइट क्लियरेंस मिलना, भाई हिमालय में आप बना रहे हो, देश के लोग इसको क्या, देश के लोग को तो सब पता है, आप जब वो सब घर टूटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, तो आप मुझे बताइए कि देश के लोग जो हैं वो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अभी देखिए पिछले साल ही सरकार बदल गई, दियोबा आए, ठीक है, केपी ओली को बाहर के दियोबा आए, आप समझ रहे हो। तो भैया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना का हद से ज्यादा हस्तक्षेप हो, क्योंकि मेजोरिटी तो वहां पे हिंदूज हैं और वो सब करते हैं फेवर भारत को, आपको पता ही है। तो बड़ी दिक्कत है, और प्रोजेक्ट साइट अभी तक क्लियर ही नहीं हुई। तो ये भले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन इस पे बवाल होना जो है वो चैत्य है। और सबसे बड़ी बात वही है कि फाइनेंशियल मॉडलिटीज, पैसा और जो ट्रांसपेरेंसी आप नहीं दे रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। फिलहाल जितने भी ये चाइना के जो ली जोनशू हैं वो सारे के सारे लीडर से मिले हुए हैं, ठीक है, जितने भी हैं भाई, विद्या देवी भंडारी जो राष्ट्रपति हैं और दियोबा, उन सबसे मिले हैं। और उसके बाद फिर अब जो भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा वो तो ले ही लिया गया है, और जो भी आगे होगा उसको हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल चाइना ने जो बोला है कि देखिए 2017 से चीज़ें अटकी हुई हैं, हमको पता है आपको कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स भेजने थे, हम भेजेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी प्रोजेक्ट अटके हुए थे हम उनको 8 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे नेपाल ने भी रिक्वेस्ट की थी, और चाइना ने बोला है कि आप बिल्कुल परेशान मत करो, ये जितने भी गैप्स हैं ना ये सब हम भर देंगे, साथ ही साथ हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नेपाल में भी श्रीलंका जैसी क्राइसिस देखने को मिल रही है,
हालांकि नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है तो नेपाल बच जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पे क्राइसिस है। नेपाल इज ऑन अ वेरी बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द, तो भाई अब वो देश, हालांकि उसको श्रीलंका से सीखना चाहिए, भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जरूरी, मतलब भारत ये सारी सिचुएशन जो है वो एनालाइज नहीं कर रहा, लेकिन भारत के लिए खतरा तो है, क्योंकि अगर नेपाल गया चाइना के पास तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भैया साइन हुए हैं। अब इसमें वही है कि भाई गुडविल और अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल असिस्टेंस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंस टू फैसिलिटेट म्यूचुअल बेनिफिट्स, इनहांसिंग इंटर कनेक्टिविटी, ये सब चीजें हैं। कुल मिला के बात ये कि चाइना पैसा देगा और ये BRI प्रोजेक्ट जो है फटाफट पूरा करो और बदले में आपको जो चाहिए वो हमसे ले लो, यही यहाँ पे नेपाल ने बोला है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिलहाल हमारे साथ जरूर एसोसिएट हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दो चीजें मैं करने वाला हूँ, एक तो आपके रेवेन्यू का इंतजाम, दूसरा आपके सब्सक्राइबर मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।